द बिग डॉग रोमन रेंस ने अपने रेसलिंग करियर में वैसे तो कई खिताब शामिल किए हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा रोमन रेंस के ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नंबर एक, रॉयल रंबल में सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन करने का रिकॉर्ड। रॉयल रंबल जो साल के शुरुआत का सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 रेसलर एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाते हैं, वहीं जो इस महामुकाबले को लास्ट तक टिक कर जीत पाता है और रॉयल रंबल का ताज अपने सर चढ़ा लेता है और WWE चैंपियनशिप के लिए किसी भी चैंपियन से उसका भिड़ंत रेसलमेनिया में होता है, वहीं रोमन रेंस ने अपने पहले ही रॉयल रंबल साल 2014 में एक ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं कर पाते हैं। उन्होंने 12 एलिमिनेशन कर सबसे ज़्यादा रॉयल रंबल में एलिमिनेशन करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके पहले यह रिकॉर्ड कैन के नाम था 2001 में 11 एलिमिनेशन करने का। नंबर टू, रेसलमेनिया में टिकट सेलिंग का रिकॉर्ड। जब रेसलमेनिया जैसे बड़े बड़े पेपर व्यूज में मैचों की बात आती है तो उसमें ब्रॉक लेसनर, दी अंडरटेकर, ट्रिपल एच जैसे योद्धा का मैच टॉप में रहता है, जिनके मैच को देखने के लिए स्टेडियम में सीटों की कमी हो जाती है। वहीं रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंस का मुकाबला WWE के सबसे बड़े योद्धा ट्रिपल एच के साथ WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रखा गया था, जिस मैच कार्ड को देखकर दर्शकों की भीड़ इस तरह स्टेडियम में आई कि उस भीड़ ने नया अटेंडेंस रिकॉर्ड बना दिया। रेसलमेनिया 32 में दर्शकों की संख्या स्टेडियम में 1,17,63 थी। ये अटेंडेंस रिकॉर्ड आज भी इतिहास के पन्नों में नंबर वन पर है। इसके पहले रेसलमेनिया 3 में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस रिकॉर्ड दर्ज था 93,173 दर्शकों का। नंबर 3, सर्वाइवर सीरीज में सबसे ज़्यादा पिन करके एलिमिनेशन करने का रिकॉर्ड। साल के सबसे बड़े पेपर व्यू रॉयल रंबल से लेकर रेसलमेनिया तक रोमन रेंस ने अपने छाप छोड़े हैं, वहीं साल के अंत के सबसे बड़े पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज में भी रोमन रेंस ने अपना छाप छोड़ने में कमी नहीं की है। 2013 के सर्वाइवर सीरीज PPV में रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस, सिजारो और जैक सेगर ने एक टीम बनाई और ये टीम कोडी रूड, गोल्ड डस्ट, जिमी एंड जे उसोस और रे मिस्टेरियो से भिड़ गए। सेथ रॉलिंस ने तो जे उसोस को पिन कर दिया, पर बाकी चारों को रोमन रेंस का शिकार बनना पड़ा और उसी समय रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन करने का। इसके पहले ये रिकॉर्ड जॉन सीना के नाम था 3 एलिमिनेशन करने का। नंबर 4, रेसलमेनिया में कर चुके हैं 4 बार मेन इवेंट मैच। रेसलमेनिया जो WWE का सबसे बड़ा PPV होता है, यहाँ पर बड़े से बड़े फ्यूड का अंत होता है, जिस PPV में हर रेसलर सोचता है उसका इस ग्रैंड स्टेज पर मैच बुक हो और वो भी इस ग्रैंड स्टेज पर अपना कमाल कर दिखाए, पर इस ग्रैंड स्टेज पर मैच बुक होना ही बड़ी बात है। वहीं रोमन रेंस ने इस ग्रैंड स्टेज पर वो कमाल कर दिखाया है जो किसी और रेसलर को करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती ही है, साथ ही उनको लक भी चाहिए। उन्होंने 4 बार लगातार 2015 से 2018 तक मेन इवेंट मैच में लड़ा है और ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है एक रेसलर के लिए, क्योंकि रेसलमेनिया जैसे पेपर व्यू में वो भी मेन इवेंट मैच 4 बार लगातार करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ अच्छे से अच्छा रेसलर रेसलमेनिया में मेन इवेंट मैच करने का सिर्फ सपना ही देख सकता है, वहीं रोमन रेंस ने ये कारनामा 4 बार लगातार करके ये साबित कर दिया है कि वो WWE के द बिग डॉग हैं। नंबर 5, 6 महीने तक अनडिफीटेड रहे। रोमन रेंस ने अकेले सिंगल रन में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे तोड़ पाना किसी आम रेसलर की बस की बात नहीं है। वहीं उन्होंने शील्ड में रहकर भी कई रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज किए हैं। उनमें से ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जब उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी तो 6 महीने तक एक भी मैच नहीं हारे थे और वो 12 बार अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहे थे। उनका यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। नंबर 6, दी अंडरटेकर और ट्रिपल एच को रेसलमेनिया में हराने वाले सुपरस्टार बने रोमन रेंस। यहाँ रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में लगातार 4 बार मेन इवेंट मैच करने का रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं रोमन रेंस ही एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जो ट्रिपल एच और दी अंडरटेकर को रेसलमेनिया जैसे ग्रैंड स्टेज में हराने में सफल हुए हैं। वैसे तो दी अंडरटेकर की 21 मैचों की रेसलमेनिया स्ट्रीक को
ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 30 में तोड़ा था, लेकिन ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच से रेसलमेनिया 29 में जीत नहीं पाए थे। नंबर 7, रोमन ग्रैंड स्लैम यूनिवर्सल चैंपियन। वैसे तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले रेसलर फिन बैलर बने, पर उनके पास ये टाइटल एक दिन ही रह पाया। यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सबसे ज़्यादा दिनों तक अपने पास रखने का रिकॉर्ड ब्रॉक लेसनर के पास है, पर रोमन रेंस एक ऐसे सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के बाद यूनिवर्सल चैंपियन बने। रोमन रेंस ही पहले ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। ये कारनामा को दूसरी बार सेथ रोलिन ने कर दिखाया रेसलमेनिया 35 में ब्रॉक लेसनर को हराकर। वहीं रोमन रेंस ने भी ये कारनामा पहली बार ब्रॉक लेसनर को हराकर ही किया था समर स्लैम 2018 में। ये रहे दोस्तों रोमन रेंस के 7 ऐसे रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना किसी दूसरे रेसलर के लिए नामुमकिन होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।